नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ घट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के बेरई उत्तरी के कई गांवों में बाढ़ का पानी आने से लोगों में हड़कंप मच गया है। सड़कों से संपर्क बंद हो गया है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से आमजन को परेशानी हो रही है। मुखिया ने अंचल अधिकारी से गुहार लगाई है कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को मुआवजा एवं राहत मुहैया कराई जाए। वहीं मौके पर उपस्थित छात्र राजद के कटरा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद फैजल ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। देखिए, कटरा प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और यहाँ अफसरशाही का राज चल रहा है। दो तीन दिन पहले हम लोग अंचल अधिकारी कटरा से मुलाकात किए थे और हम लोगों ने कहा था उनसे कि पूरे कटरा प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है, यहाँ जान माल का लाखों का क्षति हुआ, लेकिन अंचल अधिकारी मानने से इनकार है। वो कह रहे हैं कि बाढ़ नहीं आया है। कल अनुसर्वण की बैठक है, हम लोगों ने तमाम जो राजद के साथी हैं प्रखंड अध्यक्ष और हमारे गायघाट के स्थानीय विधायक, उनसे हमने आग्रह किया है कि आप जो अनुसर्वण समिति की बैठक होगी उसमें इस मुद्दे को उठाने का काम करिएगा, ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक बाढ़ राहत का जो राशि होता है या फसल क्षति का जो मुआवजा होता है वो देने का आग्रह हम लोग सरकार से करेंगे। चूँकि राजद की सरकार नहीं है, हम लोग पूरे बिहार में जहाँ आम जनता के साथ हमारा पूरा राजद का टीम खड़ा है। आज यहाँ जो बढ़त में बाढ़ का पानी जो लोगों के घरों में घुस रहा है उसका निरीक्षण करने हम लोग आए थे और यहाँ हम लोगों ने तमाम लोगों का हालचाल जाना है। और हम लोग आग्रह करते हैं अंचल अधिकारी से और प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करवा करके और उन लोगों को राशि और जो राहत होती है सरकार की ओर से मुहैया कराने का कृपा करें। मोहम्मद फैसल, अध्यक्ष छात्र राजद कटरा मुजफ्फरपुर। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। बरहत जैसा गाँव में भी आप जो है कि जय आ गए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। बाढ़ से समस्या है जो हमारे गांव में ब्रह्म स्थान से दुर्गा स्थान तक ले बाढ़ के पानी से बांध जो है उलट गया है, टूटने के कगार पर आया हुआ है। अगर नहीं बांधा गया कम से कम 1000 घर में आज रात में पानी प्रवेश कर जाएगा और 5000 हेक्टर ज़मीन में जो फसल है एक भी नहीं बच पाएगा। पूर्व से ही मेरे यहाँ बाढ़ काफ़ी आया हुआ है, इसलिए हम CEO साहब से भी मांग करते हैं कि अपने स्तर से जांच करवा दें। जो कर्मचारी के भेजे हम कर्मचारी स्पॉट पर आए नहीं हैं, स्पॉट पर भेजे किसी को वस्तु स्थिति दिखा करके और देख करके जांच करके जो रिपोर्ट होता है वो यहाँ के लाभुक को लाभ मिलना चाहिए। कुछ दिन पूर्व कल हम CEO साहब से बात किए थे तो कहे बरहद में बाढ़ का पानी नहीं है। अगर बाढ़ का पानी नहीं है तो यह आया कहाँ से जो आज 200 फीट बांध टूटने के कगार पर लगा हुआ है। यहाँ आज भी जो बागमती का पानी जिस गांव में है उस गांव में आता है निकल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ 3 महीना से पानी रुका हुआ है और 500 घर में पानी है। इसलिए हम CEO साहब से प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी व्यक्ति को 6000 रुपया का लाभ मिले। पूरा परिचय, मेरा नाम लाल बाबू बैठा, ग्राम पंचायत बेरई उत्तरी कटरा प्रखंड के मुखिया हूँ।